पानीपत के ओझा रोड पर पत्नी ने पति से पानीपत के एक एकता विहार कॉलोनी प्लॉट लेने की जिद की, लेकिन पति की आय इतनी नहीं है कि वह पत्नी को प्लॉट दिला सके। गुस्साई पत्नी ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पति ने बताया कि उसकी पत्नी दो तीन दिन से पानीपत की एकता विहार कॉलोनी में एक प्लॉट लेने की जिद कर रही थी। पति ने कहा कि वह मजदूर आदमी है, हर महीने केवल इतना कमाता है कि परिवार का पेट पाल सके। वह एक साथ इतने पैसे कहां से लाए कि प्लॉट खरीद सके, लेकिन फिर भी पति ने पत्नी को समझाया कि वह उसकी जिद अवश्य पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। पत्नी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और यह खौफनाक कदम उठा लिया। सर कि वो दो तीन दिन से प्लॉट लेने के लिए जिद कर रही थी। मैं उससे बोला कि भाई गरीब आदमी हूँ, हेल्पर लेबर आदमी हूँ, 10,000 मेरे को तनख्वाह मिलती है, मैं कैसे प्लाट ले सकता हूँ यहाँ पे, अपना पेट पालूँ या ज़मीन प्लाट लूँ। तो वो बोले कि नहीं, मेरा जिद पूरा करोगे तभी मैं रोटी पानी खाना पीना बनाऊँगी और बच्चे को देख रेख करूँगी। इसके बाद में दो तीन दिन से ऐसे ही ड्रामा कर रही थी। मैं कल ड्यूटी से आया, करीब 5:30 बजे आया। आने के बाद उसको देख रहा हूँ कि छत पर गुस्सा में बैठी हुई है। मैं उसको नीचे ले आया कमरे में, उसको प्यार से पहले मैं बोला, बच्चा को खिलाया पिलाया, तो बोले कि मैं नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरे जिद पूरा करो। तो मैं बोला कि भाई अब तो क्या मैं करूं, गरीब आदमी कहां से मैं पैसा लाऊंगा उतना सारा। इसके बाद मैं फिर समझाया कि देखो अभी मैं तेरा जिद पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगी, अब इतनी तत्काल में 2-3 लाख मैं कहां से प्लाट लेने के लिए मैं लाऊंगा पैसा। इसके बाद में फिर वो मानी नहीं। मैं बोला चल शाम हो गया, खाना पीना बना ले, बाबू को दूध वगैरह पिला ले, इसके बाद अपना जो करना हो करना। बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगी, जब तक नहीं मेरा जिद पूरा करोगे मैं कुछ नहीं करती। इसके बाद में 2-3 बार समझाया प्यार से, धीरे धीरे मेरे को दिमाग भी गुस्सा हो रहा था, कोई भी आदमी गुस्सा हो जाएगा, 1-2 थप्पड़ उसको दिया। इसके बाद में मेरा कॉलरशिप पकड़ ली कि तुम मेरे को मारोगे। मैं बोला कि एक काम करो कि तुम ही मेरे को मार लो, इसके बाद तेरे को प्लाट मैं खरीदूँगा। मेरे को कॉलर पकड़ करके और नीचे कमरे में ले गई। तो कमरे में ले गई तो मेरी बुआ की लड़की है, वो बोली कि भाभी तुम क्या कर रही हो, औरत जो है तुम अपना पति के ऊपर कॉलर पकड़ रही है, ये तो खुद मजदूर आदमी है और 1.5-2 लाख-3 लाख रुपया कहाँ से लगा प्लाट लेने के लिए, पागल जैसी बात करती हो। तो नहीं, मेरे को प्लाट खरीद दो। मैं डराया धमकाया, 1-2 थप्पड़ दिया, मानी नहीं। इसके बाद में मैं बच्चा को दूध पिलाया, करीब शाम हो गई थी, अंधेरा टाइम हो गया था खाना पीना बनाने का। इसके बाद में मैं उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मैं दूध गर्म किया, करने के बाद बाबू को पिलाया, आटा गूंधा, खाना बनाया, उसको बोला भी कि एक काम करो मंजू, तुम मैं बना दिया हूँ खाना, तू खा ले। बोले कि मैं नहीं खाती और ना तेरे से बात करती और ना ये मेरा बच्चा है, आज के बाद मेरे से बोलना नहीं। मैं बोला ठीक है, मैं भी छोड़ दिया उसे। इसके बाद सो गए, सोने के बाद मैं भी सो गया, मुझे भी नींद लग गई और मेरा बच्चा है साथ में, वो भी सो गया। अब ये पता नहीं कमरे कब ना कब खोल करके मैं देखा नहीं, जा कर के 2 मंजिले मकान से वो कूद गई। कूदने के बाद वो मेरा सिस्टर है, बुआ की लड़की, वो बोली भैया ये तो भाभी जो है ना गिर पड़ी। मैं दौड़ा, दौड़ने के बाद सब उसको मतलब उठा करके और बेड पे लुटाया, लुटाने के बाद पैर हाथ देखा, चीप चाप किया, दबाया, कहीं एक बूंद ब्लड नहीं थी। इसके बाद में मतलब तड़प रही थी, छटपटा रही थी। इसके बाद में बोला कि भाई उसको हॉस्पिटल ले चलने के बाद रविंदर हॉस्पिटल है सनौली रोड में, उनके पास ले गया। तो वो बढ़िया से चेक चेक किया, 3 टीका लगाया, 2 कमर में लगाया, 1 नस में लगाया हाथ में, और खुराक दिया टैबलेट वगैरह। बोला कि भाई इसको कुछ हुआ नहीं है, गहरा चोट आ गई है, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर से बोला कि ठीक है, कितने बिल हुए, तो 120 रुपया दे दिया मैं। इसके बाद मैं कमरे पे ले आया, इसके बाद उसको सुलाया साथ में, सुलाने के बाद सो गई वो भी, मैं भी सो गया, बच्चा भी सो गया। जब सुबह वो रोज़ प्रतिदिन वो 4-5 बजे तक जगती है और पूजा पाठ करती थी, पहले नहाते धुलाती थी। तो मैं बोला कि मंजू उठ जा पूजा पाठ करो, और मैं आटा उटा गूंध रहा हूँ,
और बाबू को दूध वगैरह पिलाऊंगा। सुबह हो गई, नहीं उठी, नहीं उठी तो मैं शोर किया, मतलब अगल बगल को बताया और मकान मालिक को बताया, तो देखा आ करके उसको, तो ठंडा था बदन, मतलब दम टूट गई। कितने दिन से जिद कर रही थी, क्या कुछ शिकायत दी है? शिकायत तो अभी कोई दी नहीं है, अभी रुक का प्राप्त हुआ था कि मंजू छत से गिरने के कारण मौत हो गई है, अब कार्रवाई जैसी भी होगी की जाएगी। अब इसके बयान लिखेंगे हमें जी, कंप्लेनेंट के इसके बयान लिख के जैसी कार्रवाई होगी कर देंगे। पोस्टमार्टम के लिए ले आए सर? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। सर कोई चोट का निशान किसी के प्रकार का कोई? उसको अभी देखी नहीं है मैंने, डेड बॉडी अभी देख लूँगा, डेड बॉडी का मुलाजा करेंगे और इसके बयान लिखेंगे, गवाहों के बयान लिखेंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मामला उझा रोड का है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।